नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो 30 दिसंबर को बजन लाल शर्मा यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री की नई टीम का ऐलान हो जाएगा। चेहरे नए होंगे कि पुराने होंगे, इसको लेकर सस्पेंस जारी था। लेकिन एक अहम सवाल सियासी गलियारों में लगातार तैर रहा था और वो सवाल है कि वसुंधरा राजे की एग्जिट के बाद क्या उनके जो समर्थक हैं या फिर वो मंत्री जो वसुंधरा राजे की सरकार में लगातार मंत्री रहे, क्या उन विधायकों को भी जगह दी जाएगी, उन चेहरों को मंत्री बनाया जाएगा या फिर नहीं। जैसे ही दिल्ली गए भजन लाल शर्मा, सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज होने लगी कि वसुंधरा राजे के समर्थकों का क्या, उनके मंत्रियों का क्या। 2003 से लेकर 2013 तक वसुंधरा राजे ने राजस्थान पर राज किया। उस दौरान जो चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए गए थे, क्या उनको जगह दी जाएगी, क्या उनको मंत्री बनाया जाएगा या फिर नहीं। इस खबर के आते ही वसुंधरा राजे के घर पर हलचल तेज हो गई। तमाम विधायक, तमाम समर्थक वहां पर पहुंचने लगे। चूंकि इससे पहले ये देखा गया था, चुनावों से पहले जो लिस्ट सामने आई थी उम्मीदवारों की, उसमें वसुंधरा राजे के समर्थकों को आउट कर दिया गया था, चाहे वो यूनुस खान हो या फिर वसुंधरा राजे के अन्य समर्थक हो। हालांकि वसुंधरा राजे ने उनसे जाकर मुलाकात भी की थी, लेकिन ये मुलाकात भी बेदम रही, बेअसर रही। और अब खबर ये आ रही है कि वसुंधरा राजे को जहां मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो उनकी इस उम्मीद को भी तोड़ दिया जाएगा कि उनके समर्थकों को, उनके विधायकों को, उनके मंत्रियों को एक बार फिर से रिपीट किया जाएगा। जी हाँ, खबरें हैं कि बीजेपी गुजरात की तरह ही नो रिपीट का फॉर्मूला अपनाने वाली है। और नो रिपीट फॉर्मूले में क्या होता है कि जिन चेहरों को पहले जगह दी गई है मंत्रिमंडल में, वो चेहरे शामिल दोबारा नहीं किए जाएंगे, यानी कि फ्रेश मंत्रिमंडल तैयार किया जाएगा। कुछ कुछ हमने ऐसा ही अभी हाल ही में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कैबिनेट में भी देखा है। तो ऐसे में सवाल ये है कि वसुंधरा राजे के समर्थक यानी कि वसुंधरा राजे सरकार में जो मंत्री थे, चाहे वो वासुदेव देवनानी हो, लेकिन अभी उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया है, तो वो रेस से पहले ही आउट हो गए। किरोड़ी लाल मीणा, अनीता भदेन, इसके अलावा मदन लाल और एक और सबसे ऊपर जो नाम चल रहा था कि इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना चाहिए, और ये भी वसुंधरा राजे के करीब है। इस नाम को लेकर भी चर्चाएं लगातार जारी है कि क्या गजेंद्र सिंह खीवसर को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। हालांकि खबरें ये हैं कि कुछ समर्थक हो सकते हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, लेकिन जिस तरीके के तेवर अभी बीजेपी आलाकमान वसुंधरा राजे को दिखा रही है, उनसे ये साफ पता चल रहा है कि वसुंधरा के साथ साथ उनके समर्थकों को भी आउट कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पद की लालसा थी वसुंधरा राजे को, लेकिन वो उन्हें नहीं दी गई। उसके बाद उन्हें थोड़ी बहुत आस थी कि उनके समर्थकों को जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा, और यही कारण है कि वसुंधरा राजे के घर पर अब विधायकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। हालांकि पार्टी की तरफ से ऐसी कोई खबर अभी सामने नहीं आई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 30 दिसंबर को 3:30 बजे के आसपास राजस्थान कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री बनाए जाने के 26 दिन बाद भी अभी तक भी कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ राजस्थान में। और जिन्हें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को बनाया गया, उनकी तरफ से लगातार बयान ऐसे दिए जा रहे हैं जिससे बीजेपी की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। इसके बाद सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या बाबा बालकनाथ को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा या फिर नहीं, इसे लेकर भी सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। बहरहाल अब ये देखना होगा कि आखिर कौन कौन से चेहरे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, और इसके साथ ही ये भी देखना होगा कि क्या वसुंधरा राजे के समर्थक या फिर जो विधायक हैं, क्या उन्हें जगह दी जाएगी या फिर नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वसुंधरा राजे के समर्थकों का अगर पत्ता काट दिया जाता है तो बीजेपी के लिए ये घाटे का सौदा होगा या फिर नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।